तो दोस्तों अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर YouTube 1000 सब्सक्राइबर्स का कितना पैसा देता है, आप कितने सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे तब आपको कितना जो है रुपया YouTube की तरफ से दिया जाएगा। इसके बारे में ये सवाल जो है काफ़ी सारे लोगों के मन में शुरू से रहता है जब वो YouTube पर आते हैं, YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि YouTube आपको 1000 सब्सक्राइबर्स का कितना पैसा दे। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों जब भी कोई यूट्यूबर जो है यूट्यूब पर चैनल बनाता है, वीडियो अपलोड करता है, तो वहां पर उसके मन में सबसे पहला एक सवाल रहता है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कब बढ़ेंगे, कब हमारे लिए वहां से इनकम होगी। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि YouTube पर जो है डायरेक्टली आपको पैसा तुरंत की तुरंत नहीं मिलता है। जब भी आप YouTube पर चैनल बना लेते हो तो वहां पर कुछ उसकी पॉलिसी है जिनमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर होने चाहिए, इसके बाद आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पर होना चाहिए लास्ट के 12th मंथ में, मतलब एक साल में। तो जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है उसके बाद आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं, एडसेंस के लिए एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर जब आपके चैनल को अप्रूव किया जाता है उसके बाद अपने चैनल से आप अर्निंग कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि अर्निंग आपको कैसे मिलता है, आपको कितने सब्सक्राइबर्स का कितना पैसा मिलता है। देखिए दोस्तों सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सब्सक्राइबर्स का आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। वीडियो पर कमेंट आते हैं उनका भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, वीडियोस पर लाइक आते हैं उनका भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, वीडियो पर व्यूज़ आते हैं उनका भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो अब आपके मन में सवाल रह गया कि आखिर फिर पैसा मिलता कैसे है, और अगर इन चीज़ों से पैसा नहीं मिलता है तो लोग क्यों बोलते हैं कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्यों बोलते हैं। तो ये सारे डाउट जो है इस वीडियो में आपको क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, एड्स वीडियो पर प्ले किया जाता है, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर एड आता है जब जिसको आप कभी कभी स्किप भी कर देते हो, कभी आपको स्किप नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ही वहां पर जब एड पूरा हो जाता है उसके बाद वीडियो प्ले किया जाता है। दोस्तों जब वो एड आता है तो उस एड कंपनी ने पैसा दिया होता है गूगल के लिए कि हमारे इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर दीजिए या इस ऐप को प्रमोट कर दीजिए। तो गूगल एडसेंस क्या करता है कि यूट्यूब के द्वारा आपके चैनल पर वो एड्स दिखाए जाते हैं आपकी वीडियो पर, तो जो टोटल इनकम होती है यूट्यूब को उसमें से आपको 55% दिया जाता है, बाकी का 45% जो है यूट्यूब अपनी तरफ रख लेता है। तो ये इनकम जो है आपको कितनी होती है चलिए मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता देता हूँ। जब भी कोई नया यूट्यूब चैनल ओपन होता है और वो मोनेटाइज किया जाता है तो उस चैनल पर शुरुआत में इनकम बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि मेरा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एवरेज इनकम जब मैंने कैलकुलेट की तो यहाँ पर मुझे लगभग 7 से 8 हज़ार व्यूज़ का लगभग $1 मिला, मतलब 75 रुपीज़ आपको 7 से 8 हज़ार व्यूज़ का मिला। अब आप जान सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार व्यूज़ जो है लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। YouTube पर जो है पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा यहाँ पर इनकम बढ़ती रहेगी। तो इस वीडियो में आपके डाउट तो क्लियर हो गए कि यहाँ पर सब्सक्राइबर्स का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही लाइक कमेंट का कोई पैसा मिलता है। यहाँ पर जब वीडियो पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उन एडवर्टाइजमेंट का जो है आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।